Hello, my dear children and parents. Myself Haryalini Mawat from RAKUB School, Botad, and I am taking your EVS subject. Before start our first unit, some activities are there. So let's do first activity. First activity is filling the color. So, have your little one pop one finger into the paint or onto the stamp pad. एंड मेक फिंगर पेंट ऑन द बुक. आपको अपनी फिंगर से कोई भी पेंट बनाना है, कोई भी शेप का पेंट आप बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज योर थम, आप अपना थम का भी यूज कर सकते हो, राइट. तो ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में करनी है, राइट. बहुत कलरफुल और बहुत अच्छे से ये पेंट बनाना, ओके. नाउ अवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज स्टोरी. तो उसमें क्या करना है, टेल स्टोरी टू योर फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स. आपको जो भी स्टोरी आती है वो स्टोरी आपको अपने फ्रेंड को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने पेरेंट्स को सुनानी है, राइट. नाउ अवर थर्ड एक्टिविटी इज थिंक एंड से. सोच समझ के आंसर देना, सोचो और आंसर दो, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ योर फ्रेंड्स आर टॉलर देन यू. तो वो पूछ रहे हैं आपके फ्रेंड के ग्रुप में सबसे लंबा कौन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हेमा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के ग्रुप में हेमा सबसे लंबी है. तो वैसे आपको भी लिखना है कि आपके फ्रेंड के ग्रुप में से टॉलर कौन है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच फ्रेंड्स हाउस इज फार्देस्ट फ्रॉम योर हाउस. आपके फ्रेंड, आपके घर के हाउस से आपका फ्रेंड कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिसका घर बहुत दूर है. तो उसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मीत. तो आप वैसे अपने फ्रेंड का नेम लिखना है कि आपके घर से उसका घर बहुत दूर हो. अवर थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ योर फ्रेंड्स आर शॉर्टर देन यू. आपसे छोटी हाइट हो वैसे आपका फ्रेंड का नेम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कृष्णा. उस हिसाब से आपको भी आपका फ्रेंड का नेम लिखना है जिसकी हाइट आपसे कम हो. विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट इन योर स्कूल. हमारी फेवरेट प्लेस कौन सी होती है स्कूल में. मेरी फेवरेट प्लेस तो प्ले ग्राउंड है. तो आप भी अपनी फेवरेट प्लेस उसमें मैंशन करना, राइट. फोर्थ एक्टिविटी क्या है, आउटडोर गेम. आउटडोर गेम मतलब जो गेम हम अपने घर से बाहर खेलते हैं, करते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम. तो वो तो अभी कोरोना की वजह से आपके मम्मी डैडी आपको बाहर जाने नहीं देते होंगे. तो जब भी हम स्कूल में आएंगे तब हम वो गेम खेलेंगे, ओके. अब फिफ्थ एक्टिविटी इज पजल. उसमें क्या है, सर्कल द मिस्टेक्स इन द पिक्चर गिवन बिलो. आपको जो पिक्चर दिया है उसमें आपको मिस्टेक फाइंड करनी है और उसके ऊपर सर्कल करना है. तो आपको ये एक्टिविटी डू योर सेल्फ, फर्स्ट आप अपने आप करो. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो, इसका आंसर के साथ फोटो शेयर करूंगी, ओके. सिक्स इज रोल प्ले. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रोल प्ले, डू नो. ओके, मैं ही बता देती हूँ. चलो, रोल प्ले इज एनी स्पीकिंग एक्टिविटी टू पुट योर सेल्फ इन टू एन इमेजिनरी सिचुएशन. इमेजिनरी पीपल वी कैन बिकम एनी वन वी लाइक फॉर अ शॉर्ट टाइम, राइट. तो उसको हम बोलते हैं रोल प्ले. तो वो भी आप करना, परफॉर्म करना अपने मम्मी डैडी के सामने या फिर आपके फ्रेंड के सामने, ओके. नेक्स्ट है मास्क. आपको क्या करना है, ब्लैंक पेपर को फोल्ड करके कोई शेप ड्रॉ करना है और फिर वो शेप को कट कर लेना है. तो वो क्या हो जाएगा, मास्क बन जाएगा, है ना. और नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, उसमें क्या मैसेज देना चाहती है वो एक्टिविटी हमें. वो ऐसा बोलना चाहती है कि वी मस्ट कीप अवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन. हमें अपना क्लासरूम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. व्हाई,
क्योंकि हम हाफ डे तो स्कूल में ही होते हैं, और अगर हम स्कूल स्कूल को ही खराब करेंगे तो फिर हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी और पूरा गंदा गंदा दिखेगा, है ना। तो हमें हमारा क्लासरूम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी इज क्लासरूम एक्टिविटी। वो क्लासरूम एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, तो मैं बता दूं, टीचर इज टीचिंग टू द स्टूडेंट, वो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, एंड वी कैन सी देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, वो स्टूडेंट और टीचर एक दोनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, है ना, ये सब आपको दिख रहा है ना। नाउ नाइन नंबर की एक्टिविटी कौन सी है, रीड। तो उसमें आपको एक बुक दी है जिसका नेम है बाल सृष्टि। वो बुक में बहुत सारी स्टोरी होती है, तो वो बोल रहे हैं कि ये स्टोरी को रीड करो। एंड आवर टेन नंबर एक्सरसाइज इज राइट। उसमें क्या है, राइट अबाउट योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहां लिखा माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज हीना, सी इज वेरी काइंड गर्ल। उस हिसाब से आपको अपने फ्रेंड के बारे में जो भी आपको पसंद है वो पॉइंट्स आपको वहां लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड व्हाइल कमिंग फ्रॉम होम टू स्कूल। बट अभी तो हम स्कूल आते ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आप घर से जब स्कूल जाते हो तो बीच बीच में आपने रास्ते में क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में लिखना है, और जो ऑब्जर्व किया वो थिंग्स हमें यूजफुल है कि नहीं वो भी हमें मेंशन करना है, राइट। बट अभी तो हम घर पे ही है, तो वो जब हम स्कूल आएंगे तब हम वो करेंगे, ओके। सो ये क्लास में हम यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।